हर बार मैं ये कहती हूँ कि हेयर वॉश जो है कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, खासकर जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, लंबे समय से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो हेयर वॉश जो कि ये ट्रिक जो है हमारे पुराने ज़माने से ही चली आ रही है, ये साइंटिफिकली तो प्रूवन है ही, लेकिन पुराने ज़माने से जो बड़े बुजुर्ग थे जिन महिलाओं को कंसीव नहीं कर पाती थी, वो उनको ये राय दिया करते थे कि जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो तो पीरियड के बाद से आपको हेयर वॉश नहीं करना है। लेकिन उनको थोड़ा सी ज्ञान की कमी थी कि वो पीरियड के बाद से ही हेयर वॉश को रोक देते थे। वो सही टाइम नहीं है क्योंकि पहले की महिलाओं को ओवुलेशन समझ में नहीं आता था, कब वो ओवुलेट कर रही हैं, एग मैच्योर होके कब बाहर निकल रहा है, ओवुलेशन के लक्षण क्या है, ये सब कुछ नहीं पता था। तो इसलिए वो पीरियड के बाद से ही अपना हेयर वॉश बंद कर देती थी जब तक कि वो कंसीव नहीं कर लेती हैं। लेकिन अब महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ओवुलेशन इम्प्लांटेशन ये सब कुछ उनको समझ में आता है, तो अब हेयर वॉश का जो ट्रिक है थोड़ा सा बदल चुका है, लेकिन है वही। कब से करना है, करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो हेयर वॉश ट्रिक मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन कई महिलाएं अच्छे से कारण को जानना चाहती थी और जानना चाहती थी कि एक्चुअल में कब से हेयर वॉश नहीं करना चाहिए महिलाओं को कंसीव करने के लिए। जैसे कि क्या होता है कि जब आप पीरियड के लिए वेट करते रहते हो तो जो पीरियड डेट होता है, ठीक है, उसके एक से दो दिन पहले अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो आप देखना कि पीरियड जल्द ही आ जाता है, या उसी दिन आ जाता है या नेक्स्ट डे आ जाता है। तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है हेयर वॉश। जब ओवुलेशन में ट्राई करते हो, ओवुलेशन के तुरंत बाद जब आप ट्राई करते हो तो फर्टिलाइजेशन होता है, या तो तुरंत हो जाता है या दो से तीन दिन का वक्त लगता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रो यूट्रस की लाइनिंग में जाके चिपकता है, वहाँ से इम्प्लांटेशन को पक्का करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि जो दीवार है वो झड़ने लगे, शेड होके बाहर पीरियड के जैसा आपका बाहर निकलने लगे, वो नहीं होना चाहिए। तो जब एम्ब्रो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांट होता है यूट्रस की दीवार पे, तो उसको अच्छे से पक्के तौर पे चिपकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ से आपको हेयर वॉश रोक देना है अपने इम्प्लांटेशन से लेके जब तक कि आप ट्रीटमेंट लेना शुरू नहीं कर देते हो, खासकर उन महिलाओं की जिनकी प्रेगनेंसी काफ़ी रिस्की है, जल्दी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, बहुत समय से ट्राई कर रही हैं, सालों हो गए अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, उन महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये हेयर वॉश ट्रिक फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्लांटेशन से लेके आपको ट्रीटमेंट लेने तक हेयर वॉश नहीं करना है। हेयर वॉश जब आप करते हो तो आपके स्कैल्प आप देखोगे बिल्कुल ड्राई हो जाता है। जब ये ड्राई होता है तो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शंस जब जल्दी जल्दी आता है तो क्या होता है कि आपके जो यूट्रस की दीवार है उसको कमज़ोर करना शुरू कर देता है, उसको वो टूटने लगता है, शेड होने लगता है। इस वजह से कहा जाता है कि हेयर वॉश नहीं करना चाहिए इम्प्लांटेशन से लेके जब तक आप कंसीव नहीं कर लेते हो। जब आप ट्रीटमेंट लेना, दवाइयां लेना शुरू कर दोगे, आपका गर्भ पक्का होने लगेगा, बच्चे में जो है स्ट्रांग हो जाएगा बच्चा, गर्भ पक्का हो जाएगा, तब आप हेयर वॉश कर सकते हो। इम्प्लांटेशन से लेके ट्रीटमेंट लेने तक आपको अपना डाइट अच्छा रखना है, खान पान अच्छा रखना है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरीके का, कोई ऐसी गलती ना कर ले, ना ही हेवी कोई काम करें, ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़ें, ज़्यादा कोई भारी वजन नहीं उठाएं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कुछ फॉलो करो, आपका जो कंसीव होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।